वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे हो कि माशाल्लाह। अभी आपको दिखाते हैं अपनी डब जो हमने ली है, वो अब माशाल्लाह से घर में घूम फिर रही है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें माशाल्लाह से, ये लड़की है और ये लड़का है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिसके आइज ब्रोज जो बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं ना, वो होता है लड़का, और जिसके पतले पतले से आइज ब्रोज होते हैं वो होती है लड़की। तो ये नर मादा है, कन्फर्म है। और इसका मैं एक बाउल वगैरह भी लाया था इनके लिए कि जिसमें ये अंडे वगैरह देंगे, और कुछ ये भी उन्होंने मुझे दिया था। ये देखें, ये इन्होंने कहा था कि अपने जो आप रखेंगे अंदर जो टोकरी टाइप जो होता है, जो मैंने लिया, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। और माशाल्लाह से आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ कितने क्यूट से हैं ये। ये मुझे बहुत पसंद है, और इसके आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि क्या क्या खाते हैं। आपको नर मादा का तो मैंने बता दिया, ऐसा ऐसा से आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो अभी इनका ना वो एक टोकरी ली थी मैंने अंडे वगैरह रखने के लिए, बड़ी फैंसी सी थी, वो भी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। कुछ मैंने बर्तन वगैरह भी आपके सामने लिए थे, वो भी मैंने दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये है, हमारे जो चूज़े वगैरह हैं माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो आए मैं टोकरी वगैरह लगाते हैं, इसकी टोकरी है जो मैं लेकर आया था, तो इनके लिए अंडे बच्चों के लिए फैंसी सी, तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। तो अभी मैं आपको ये ना लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम ना इसको यहाँ से यहाँ निकालते हैं, तो इसके बर्तन वगैरह थे ये उठा के आ रखते हैं, और अभी इसे हम लगाते हैं यहाँ पर। अभी आपको ये डब वगैरह निकल ना जाए, हथियार से लगाना पड़ेगा, ये उड़ गई तो मिलने भी नहीं है दोबारा, पकड़ी भी नहीं जाएंगी। ये इसको इसके तो यहीं का आता है, इसके तो एक तो लगानी पड़ेगी ना। ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं, लगा दिए, इसको बंद कर देते हैं। भाई इतने ना हिलो, फिक्स सही तरीके से हुई नहीं है ये, इस तरह से नहीं होगी, इसको कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, हमसे नहीं हो पा रही है, तो कोई चीज़ वगैरह बांधनी पड़ेगी। ऊपर तो इसकी टोकरी नहीं लग रही थी, नीचे लगा दी है फिलहाल। ये देखो अंदर बैठ भी गई है, अभी इसके अंदर हम ये भी डालते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह बड़ी क्यूट लग रही है टोकरी, ऊपर नहीं लगा पाए थे, ऊपर सपोर्ट नहीं थी, नीचे मैंने कहा यार यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर सपोर्ट है, अभी इसको अंदर डालते हैं इसके अंदर। अभी हम इसको इसके अंदर डालते हैं, बाहर निकाल लिए इसको, ये सारे डाल देते हैं फिलहाल, खुद बखुद ही एडजस्ट करते रहेंगे। काफ़ी सारा है, तो थोड़ा कम करते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करते हैं। इसको हम यहाँ से ये हाँ इसको करेंगे, ये खुद ब खुद एडजस्ट कर लेंगे हल्का फुल्का ना। अच्छी लग रही है, चल ऐसे बेहतरीन खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई है ये। और इसका हमने घोंसला वगैरह भी बना दिया है, ये देखें इसको बना दिया हमने, सेटिंग वेटिंग कर दिया, दाना वगैरह भी डाल दिया। हाँ मैं ये कह रहा था आपको, इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था, एक तो ये जो नर मादा का तो आपको बता ही दिया, जिसकी आइज ब्रोज मोटी होती है वो नर होता है, जिसकी पतली होती है वो लड़की होती है, ठीक हो गया। और हाँ लड़की लेकिन मादा होती है, और ये भी कह रहा है लड़की। और ये खाते हैं ज़्यादातर कंगनी, ये वाइट कलर की और एक ब्राउन कलर की ना कंगनी मिलती है, और ये सिर्फ यही खाते हैं, और बाकी इनका अब ये एडजस्ट करते हैं। माशाल्लाह प्यारा लग रहा है घोंसला वगैरह भी, और ये इंशाल्लाह आपकी दुआएं चाहिए, इधर अंडे वगैरह आ जाए, देखें छोटे छोटे बच्चे। अभी इसको वापस वहीं इसकी जगह पे
एडजस्ट करते हैं। मैंने एडजस्ट कर दिया इसकी अपनी जगह पे अपना पिंजरे को, देखिए माशाल्लाह से। अभी आपको मैं करीब से जाके दिखाता हूँ, ये देखें उसका घोंसला वगैरह भी बना दिया हमने यहाँ पर खुद से। और ये माशाल्लाह, पहले तो बहुत मायूस सी हुई थी, इसी जगह पे बैठी रह गई हैं पूरी रात, अब थोड़ा खेल कूद रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, अब दिल लग रहा है इनका। इंशाल्लाह बस दुआ चाहिए आपकी कि ये जल्द से जल्द अंडे बच्चे दे दें, और इंशाल्लाह आपको अपने क्या कहते हैं ये अपने मुर्गियों को भी अपने फीड वगैरह देते हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे डायनासोर हो, फिर मैं इसको इसका नाम रखा हुआ मैंने डायनासोर। आप बताएं कैसा डायनासोर लगता है या नहीं लगता है ये। इसको भी फीड वगैरह डालते हैं मुर्गियों को, इनको भी, परिंदों को, पाइट्स को भी और लव बर्ड्स को। ये तो शर्मीले हैं हमेशा की तरह, अंदर ही चले जाते हैं, ये बेचारे लटके हुए हैं। इंशाल्लाह इनका भी डंडा वगैरह हमने यहाँ लगाना है, वो भी मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और बाकी इनको फीड वगैरह इनको डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं। चल अच्छा, मादा तो जाके वहीं बैठ गई, लगता है इसने अभी अंडे दे देने, अपने घोंसले को सेट कर रही है और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। अंदर बैठी थी अभी तो, ये देखिए माशाल्लाह वो अपने तिनकों वगैरह को ना राउंड अबाउट कर रही है, बहुत प्यारी है। ये देखिए मैंने फीड वगैरह इस बोतलों में डाल दी है, ये कंगनी वगैरह डाल दी, ये सारी चीज़ें हमने इस बोतलों में डाल दी हैं ताकि ये गिरे वगैरह ना शापर में। इसको हमने चेंज करना है अभी, और इनके बर्तन हैं कुछ चेंज करने हैं, वो मैं नए लेकर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ ये वाले। और ये कुछ परिंदों के जो बर्तन हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, उनको चेंज करते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं अंदर इनको सबको फीड डाल के। बर्तनों में मैंने फीड वगैरह डाल दिए, बर्तन भी न्यू चेंज कर दिए पानी वाले मैंने। ये हमारी मुर्गियों के लिए पानी वो ज़्यादा पीती हैं, ये उन्हीं के लिए फीड डाली है। ये लव बर्ड के लिए, ये पाइट्स, ये भी पाइट्स, इनका पानी वगैरह सारा हमने टोटल चेंज कर दिया। मैं इसके अंदर रख के आपको दिखाता हूँ। डव की भी फीड वगैरह डाल दिया है, लव बर्ड की भी फीड वगैरह, ये पानी वगैरह चेंज कर दिया है, पाइट्स का भी, इन चारों का। माशाल्लाह इसकी आँख ठीक हो चुकी है इसकी, और ये खाना खा रहे हैं हम सारे। ये मुर्गियों के बच्चे देखें बड़े अतालवे हो रहे हैं, तो मैंने इनके लिए ये रखा हुआ। ये देख रहे हो इनकी स्पीडें, देख रहे हो। ये अभी डालूंगा ना इसके अंदर, फिर आप देखना कैसे खाते हैं माशाल्लाह से। आगे कहता मैं डालूंगा, लाफे बाहर ना निकाल देना ये। चलो चलो जल्दी जल्दी रखो अंदर, लाफे हट जाओ, जो खोल नहीं आएंगे बाहर आप। चलो रखो इसे, खोलो। राफे के हाथ पे सारों ने झपट्टा मार लिया, राफे पकड़ रहा है। हाँ राफे हट जाओ ना, अच्छा दूर कर दिया राफे ने, बंद कर दिया। आज देखे माशाल्लाह से बड़े प्यारे तरीके से खा रहे हैं, बड़ा अफरा तफरी जैसे पड़े, कितने अरसे से भूखे हो ये माशाल्लाह से। है राफे मज़ा आ रहा है देख के, ये देखे माशाल्लाह से बड़े प्यारे हैं, माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए। इंशाल्लाह मैं आपको ये हाथ में पकड़ के भी दिखाऊंगा अगले व्लॉग में, इनके पर वगैरह आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पानी वगैरह भी हमने दे दिया है और माशाल्लाह से अभी खाते रहेंगे, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हमारे चैनल अब्दुल बासित भट्टी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी दबाएगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी आएँ हमारे पास, लाइक्स भी आएँ। और आपकी दुआओं से आप इस सेटअप को इंशाल्लाह काफ़ी बड़ा करूँगा मैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे माशाल्लाह से हमारी डव है, अभी देखते हैं इसकी भी आपको काफ़ी चीज़ों की अब मैं इन्फॉर्मेशन आपको दिया करूँगा इंशाल्लाह। और एक खुशखबरी भी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।